हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बात करने वाला हूँ चंदू चैंपियन के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई फिल्म मूंजिया के 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करने वाले हैं प्रभास की फिल्म कल्कि की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। और इसके अलावा बात करेंगे सलमान खान की फिल्म सिकंदर के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप हमें कमेंट्स करके बताना इन फिल्मों में से आपकी पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले बात करें बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म मूंजिया के बारे में। तो दोस्तों 40 करोड़ के बजट में बनी मूंजिया फिल्म को आज सिनेमाघरों में 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं और 2 हफ्तों में इस फिल्म ने पूरी तरह से धमाकेदार कलेक्शन कर लिए हैं। अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती 12 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 64 करोड़ 75 लाख का किया। वहीं 13वें दिन 3 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया। और दोस्तों ये फिल्म आज अपने 14वें दिन 2 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ मूंजिया फिल्म का शुरुआती 14 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 70 करोड़ 59 लाख का हो चुका है। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 83 करोड़ 90 लाख का हो रहा है। अब बात करें इस फिल्म के 14 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। तो इस फिल्म ने 87 करोड़ 82 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई है। लेकिन अब बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बायोपिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में। इस फिल्म में हमें कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। तो दोस्तों चंदू चैंपियन को आज सिनेमाघरों में 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं यानी कि 1 हफ्ता। और इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में शानदार कमाई की और जिस तरह से ये मूवी चल रही है ऐसा लग रहा है कि अपने दूसरे हफ्ते में भी ये मूवी अच्छी कमाई कर लेगी। अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का बजट कितना है। इस फिल्म का बजट 110 करोड़ है और इस फिल्म ने अपने 5 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 33 करोड़ 72 लाख का किया। तो 6वें दिन 3 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया और 7वें दिन 3 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ चंदू चैंपियन का शुरुआती 7 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 40 करोड़ 4 लाख का हो रहा है और इंडिया ग्रोस कलेक्शन 47 करोड़ 64 लाख का हो गया है। अब बात करें इस फिल्म के 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। तो इस फिल्म ने 55 करोड़ 58 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। यहाँ दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 55 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है और अब देखते हैं कि ये दूसरे हफ्ते में ये फिल्म कितना कमाल करती है। लेकिन दोस्तों अब बात करें बॉलीवुड के सुल्तान और बॉक्स ऑफिस के किंग सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर के बारे में। इस फिल्म में हमें सलमान खान और रश्मिका मंदाना नजर आने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि सिकंदर 2025 ईद को सिनेमाघरों में आने वाली है और जितने भी सलमान खान के फैन हैं वो बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनली सिकंदर फिल्म की जो शूटिंग है वो कल यानी कि 19 जून को शुरू हो गई है और जो सलमान भाई का लुक है वो भी रिवील कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम देख सकते हैं कि सिकंदर फिल्म में सलमान भाई का जो लुक है वो बीएड वाला होने वाला है। इस तरह का लुक सलमान भाई का हमने पहले एक था टाइगर में देखा था और सलमान भाई का ये लुक काफी जबरदस्त है। अब दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जब ये फिल्म बनकर 2025 ईद को रिलीज हो तो ये फिल्म सलमान खान के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म साबित हो। वहीं दोस्तों अब बात करें साल की सबसे महंगी फिल्म कल्कि के बारे में। जिस फिल्म में हमें प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कल्कि फिल्म को अब रिलीज होने में 6 दिन का समय बाकी है यानी कि 27 जून को ये फिल्म दुनिया भर के सभी सिनेमाघरों में धमाकेदार शुरुआत करने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म ने जो विदेशों से एडवांस बुकिंग कलेक्शन किया वो पूरी तरह से धमाकेदार है। अब बात करें कल्कि फिल्म की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से प्रीमियर और फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग कलेक्शन मिलाकर $2.41 मिलियन का कर लिया है और इस फिल्म की जो वीकेंड बुकिंग है वो $2.72 मिलियन की हो गई है जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 22 करोड़ 68 लाख रुपए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल्कि फिल्म का वीकेंड एडवांस बुकिंग कलेक्शन 22 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। अब देखते हैं 6 दिन बाद ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देती है तब इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना होता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कल्कि अपने पहले दिन कितने की ओपनिंग लेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।